हेलो दोस्तों, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन होता क्या है और टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक होते क्या हैं। तो पेट्रोल इंजन दोस्तों ऐसा इंजन होता है जो आपको पेट्रोल से यूज होते हैं, जबकि डीजल इंजन मतलब डीजल यूज करते हैं जो जनरली आप इन्वायरमेंट के अंदर देखते हैं। अगर टेक्निकली हम इसके बीच में डिफरेंस को पता लगाएं तो पेट्रोल इंजन एक ऐसा इंजन होता है जिसके अंदर जो पूरा कम्बसन होता है वह आपको मतलब टू स्ट्रोक में कंप्लीट होता है हमारे पास। मतलब पिस्टन का मतलब एक बार में रोटेशन में सक्शन कंप्रेशन होता है और एक बार कंप्लीट मूवमेंट में एक्सपेंशन एग्जॉस्ट होता है। जबकि डीजल साइकिल में फोर स्ट्रोक में क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पे हर एक प्रोसेस अलग अलग साइकिल को एक बार में कंप्लीट करता है। मतलब एक बार कंप्लीट साइकिल होगा, एक बार में कंप्लीट सक्शन होगा, एक बार में कंप्लीट कंप्रेशन होगा, एक बार में कंप्लीट एक्सपेंशन होगा और एक बार में कंप्लीट आपका एग्जॉस्ट होगा। अभी जो ये आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं इसका नाम है फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। तो दोस्तों फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन ऐसा इंजन होता है हमारे पास, जैसे आप यहाँ पे फिगर देख रहे हैं इसमें भी ये जो आप ब्लैक कलर का देख रहे हैं वो पिस्टन है हमारे पास, और जो रेड कलर का उसका नाम सिलेंडर है हमारे पास। पिस्टन क्या करता है, सिलेंडर का हमेशा अप डाउन मोशन करता है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात ये समझना पड़ता है हम लोगों की ये पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट में रिलेशन क्या होता है हमारे पास। ऐसा टेक्निकली ये कहा गया हमारे पास कि जो पिस्टन होता है पिस्टन के दो मूवमेंट दो कंप्लीट साइकिल क्रैंकशाफ्ट का एक साइकिल के इक्वल टू होता है। इसके मतलब कहने का मतलब हमारे पास है कि क्रैंकशाफ्ट के टू स्ट्रोक के अंदर मेरे पास क्रैंकशाफ्ट का दो रिवॉल्यूशन होता होगा, सिंगल रिवॉल्यूशन होगा, जबकि फोर स्ट्रोक में क्रैंकशाफ्ट दो बार रोटेट करता होगा तब जाके साइकिल कंप्लीट होता होगा हमारे पास। दोस्तों अब हम ये जानेंगे कि जो हमारे पास फोर स्ट्रोक जो ये पेट्रोल साइकिल है वह कैसे काम करता है हमारे पास। तो फोर स्ट्रोक जो ये आपका पेट्रोल साइकिल इंजन होता है वह आपको इंटरनल कम्बशन इंजन का ही पार्ट होता है हमारे पास, और जिसके अंदर हमारे पास जो है पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर फुल ट्रेवल करता है हमारे पास, तब जाके साइकिल आपका कंप्लीट होता है हमारे पास। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट होता है वो भी क्रैंक शाफ्ट आपका दो रिवोल्यूशन करता है आपको एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। यही से इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होती है हमारे पास। और इसके बाद हम लोग ये जानते हैं हम लोग कि जो पेट्रोल इंजन होता है वो कितने के किस टाइप से आपको मतलब कैसे इसके अंदर वर्किंग इसका कैसे होता है हमारे पास। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो इतने के जितने गाड़ी वगैरह होते हैं इस सब के अंदर हमारे पास पेट्रोल इंजन यूज किया जाते हैं, जिसमें पेट्रोल या फिर गैसोलीन हम लोग यूज करते हैं हमारे पास। रीजन ये होता है हमारे पास कि जो पेट्रोल इंजन होता है हमारे पास वो ऐसा इंजन होता है स्पार्क इग्निशन, मतलब इसके अंदर जो हमारे पास इंजन स्टार्ट होते हैं वो बाय द स्पार्क के द्वारा होता है हमारे पास। मतलब जो उसका रीजन क्या होता है कि एक कार्बोरेटर लगे होते हैं इसके पीछे जो क्या करता है एयर फ्यूल का एक एग्जैक्ट मिक्सचर तैयार करता है, जिसकी वजह से हमारे पास कंप्लीटली रूप से हमारे पास कंबसन यहाँ पे हो पाता है हमारे पास। जो सबसे बड़ी होती है एसआई इंजन की बात यानी फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की बात, इसकी जो थर्मल इफिशियंसी होती है वो हमारे पास लो होती है, जिस वजह से मैकेनिकल इफिशियंसी इसकी हाई होती है। मैकेनिकल इफिशियंसी हाई होने की वजह से जो इंजन होते हैं वो इंजन आपको कम्प्लीटली जो है वो आपको एक्यूरेट वर्किंग करता है आपका, और एक्यूरेसी भी इस इंजन की ज़्यादा होती है कम्पेयर टू द दूसरे इंजन से। दूसरी बात ये होता है हमारे पास कि जो ये आपका फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है यह आपको थर्मल इफिशियंसी लो दिखाता है, उसके साथ साथ जो इसका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी होती है वह भी कम होता है, इस वजह से इसकी एक्यूरेसी जो है हमारे पास वह हाई होती है हमारे पास। बाकी जो इसका वर्किंग और प्रिंसिपल होता है हमारे पास वो जनरली टू स्ट्रोक फोर इंजन का ही बेसिस होता है हमारे पास, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग फोर स्ट्रोक पेट्रोल साइकिल को यूज करते हैं हम लोग।